गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के लालबंगला नीलकंठ शिव मंदिर के समीप 15 मार्च से प्रारंभ हो रही है श्रीमद् भागवत कथा प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 15 मार्च से 23 मार्च तक होने वाले श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 3 बजे से लेकर 7 बजे कथावाचक सुरेंद्र हरिदास जी महाराज के ओजस्वी वाणी से सुनाएंगे। ये कार्यक्रम लगातार 9 दिनों तक चलेगा। जो भी श्रद्धालु जो भागवत रस का आनंद लेना चाहेंगे कथा श्रवण करने जरूर पहुँचे। 15 मार्च की प्रातः 8 बजे से तुलसी भागवत कलश शोभा यात्रा से शुरू होगी भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ। श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर के तत्वाधान से श्रीमद् भागवत कथा किया गया है। 23 मार्च को भंडारा महाप्रसाद वितरण किया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बोले, आज बड़ा पावन और पवित्र फागुन महीना के होली के रसिया भगवान राधा गोविंद की अमृतमय कथा पंचम वेद निराला श्रीमद् भागवत कथा रस वर्षन सभी आम आदमी के सेवा सहयोग से और जेलगढ़ा कंगालो नियर नीलकंठ महादेव मंदिर के समीप लाल बंगला के पास में समस्त जेलगढ़ा पंचायत परिवार आम आदमी समाज के सभी सत्य सनातन हिंदू धर्म के सभी वर्गों के सहयोग से इतना सुंदर अनुष्ठान हमारे माताजी श्रीमती नीतू शंकर देवी जी जिला महामंत्री महिला मोर्चा और उनके साथ हमारी मातृशक्ति सभी माताएं मुन्नी देवी जी विंध्याचल देवी जी मीरा देवी जी उम्रावती देवी जी शकुंतला देवी जी गीता ओझा जी तमाम मातृशक्ति और भगवत चरणानुरागी स्नेहमयी जहाँ मातृशक्ति का किसी भी अनुष्ठान में सहयोग मिलता है तो अपने आप में ऐतिहासिक और सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान होता है। तो इस सुंदर अनुष्ठान में जैसा कि लोग अभी हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे सत्य सनातन हिंदू परिवार को एक सुंदर अध्यात्म विद्यालय है। इसके माध्यम से हम बैठ करके अपने जीवन को जीना सीखते हैं। तो एक कथा बच्चे को तो जरूर विशेष रूप से आना चाहिए। बच्चे जब आएंगे तो सुनते सुनते उनमें एक भी शब्द भागवत का कोई कान में चला गया तो उस बच्चे का जीवन बदल देता है।